हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स सीक्रेट्स। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये घर पे आप अपना पेडिक्योर कैसे करें। गाइस, तो मैं आज बाहर गई थी तो मुझे अपना पेडिक्योर करना ही था, पैर बहुत गंदे हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाकर आपको शेयर करूँ। तो अगर आप देख सकते हैं कि मेरे पैर बहुत गंदे हो चुके हैं, टैनिंग भी हो चुकी है पैरों पर, तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप घर पर पेडिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने एक टब में हाफ टब पानी ले लिया है, तो आप कोई भी गुनगुना पानी ले सकते हो चाहे जितना आपको सूट करे, गर्म भी ले सकते हो। तो इसमें मैंने ये बेकिंग सोडा डाला है, तो उसके बाद मैंने इस बोतल में नींबू का रस निकाल के रख लिया था। आप एक नींबू यूज़ कर सकते हो, मैं 1.5 चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक इसमें डालूँगी, उससे क्या होता है कि आपके पैर की जो डस्ट है ना वो निकल जाएगी। तो मैं इसमें नमक डाल दिया और इसमें मैं 10 मिनट तक अपने पैरों को इसमें रखूँगी डिप करके। तो आपको ये पेडिक्योर करने से पहले अपने नेल पेंट को अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है, पैर आपके नेल पेंट उतरी होने चाहिए। 10 मिनट रखने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी, फिर मैं स्क्रब करूँगी। उसके लिए मैं एक हाफ टमाटो ले रही हूँ, उस पर मैंने ये लगाया था कॉफ़ी और थोड़ा सा नमक लगाया था। कॉफ़ी बहुत अच्छा स्क्रब का काम करती है, टैनिंग रिमूव करेगी। तो टमाटर की हेल्प से मैं कॉफ़ी नमक दोनों तीन चीज़ों को स्क्रबिंग कर रही हूँ पैरों पे। अच्छे से स्क्रब कर लेना, आपको नेल पे भी करना है, पीछे पूरे पैर पर स्क्रब करना है। और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए उसी पानी में अपने पैरों को डिप करूँगी, देन मैं स्क्रब कर रही हूँ। इसको पंजाबी में झामा भी बोलते हैं। तो मैं इससे अपने एड़ियों को साफ़ कर लूँगी, इससे आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। आपको अच्छे से अपनी डेड स्किन को रिमूव कर लेना है दोनों पैरों को। फिर उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं अपने नेल्स पे भी जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर लूँगी अच्छे तरह से, सारे नेल्स को। दोनों पैर पे नेल पर ब्रश से आपको स्क्रब करना है। तो अच्छे से स्क्रब करने के बाद गाइस, मैं इस पर ये पैक अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, उसमें मैं ये जो मैंने आपको बताया था कि कच्ची हल्दी जो मैंने घर पे बनाई थी उसको यूज़ कर रही हूँ। देन आपको एक टमाटो जूस लेना है, टमाटर का जूस उसमें डालना है। फिर मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला था, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्स करने के बाद गाइस, यहाँ पे मैं वो जो मसूर दाल का पाउडर जो मैंने बनाया था, आपको एक वीडियो भी शेयर की थी, पैक मैंने जो आपको बताया था, ये पैक आप अपनी फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा वाइटनिंग पैक है, जहाँ पर आपको टैनिंग हुई उसके लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। तो मैं इसको अपने पैरों पर अप्लाई कर लूँगी, इसको 10 मिनट तक रखूँगी, सूख जाने के बाद मैं इसे साफ़ कर लूँगी। देन फिर मैं एक बाउल में ये विटामिन ई का कैप्सूल ले रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें ये एलोवेरा जेल मिक्स करूँगी। आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, ये थोड़ी सी मैं हाफ चम्मच एलोवेरा जेल लेके मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो कि मिक्स होने के बाद ये वाइट सा टेक्सचर हो गया है, ये एक तरह से क्रीम बन चुकी है। तो मैं इसको लेके अपने फुट पे मसाज करूँगी। आप मैं हनी भी मिक्स कर रही हूँ, आप हनी करना हो तो करिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है। तो मैं इससे अपने पैर पे मसाज करूँगी अच्छी तरह से। तो आप नेल पेंट लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं कि मैंने नेल पेंट लगा ली और मेरे पैर कितने अच्छे लग रहे हैं।